हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दुधी के हलवा का रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बड़ा ही हेल्दी डिश है। इसे बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम दुधी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। दुधी यानी लौकी का हलवा। तो दुधी का हलवा बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है दुधी 600 ग्राम, शक्कर 100 ग्राम, मिल्क पाउडर 100 ग्राम, 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 पिंच हम ग्रीन कलर लिए हैं। ये फूड कलर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो ऐसे भी दुधी का हलवा टेस्टी बनता है। ये ऑप्शनल है। हम अपना मन पसंद का ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो 20 से 25 किशमिश, 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम को हमने बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम दुधी के दोनों पॉइंट को काट देंगे। और एक पीलर की सहायता से हम इसे पील करेंगे। तो ये आसानी से हो जाता है, ऐसे हम इसे पील कर लेंगे। दूधी को हमने पील करके इसे पानी से धो लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। इससे क्या होगा, ग्रेट करने में अपना आसानी रहता है। तो हम इसे 3 पार्ट में कर लेंगे। अब हम इसमें छोटा पार्ट निकाल के टेस्ट करेंगे, क्योंकि दुधी कभी कभी कड़वी भी होती तो पूरा हलवा खराब हो जाएगा। पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये दुधी अपनी अच्छी है। अब हम एक प्लेट लेंगे और उस पे एक ग्रेडर रखेंगे। आपके पास कोई भी ग्रेडर हो उससे ग्रेड कीजिए। और हम दुधी को ऐसे लंबे में घिसेंगे, क्योंकि हमें लच्छेदार दुधी का हलवा बनाना है। हमने दुधी को ग्रेट कर लिया है और बीच में वो बीज वाला जो पार्ट है उसे हम हटा देंगे। इसकी आप चाहे तो सब्जी में या सूप बनाने में यूज कर सकती हैं। तो ये अपना दुधी तैयार हो गया। दुधी हम इतना ही टाइम में घिसेंगे कि तुरंत उसे बनाना शुरू कर दें, नहीं तो दुधी का कलर जो है वो काला पड़ने लगता है। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाही ले लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें हम देसी घी डालेंगे। तो हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी यूज कर रहे हैं। हमें दुधी के हलवा में ज्यादा घी नहीं लगता। और हम घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। घी गरम हो चुका है, अब हम उसपे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हलवा में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो सबसे पहले हम काजू को डालेंगे और इसे 1 मिनट तक चला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हम अब बादाम को डालेंगे, क्योंकि काजू को हम 2 पार्ट में ही किए थे तो उसको पहले डाले थे। बादाम का बारीक टुकड़ा है तो हम थोड़ा रुक के डाले हैं। और इसके बाद हम किशमिश डालेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स के कलर चेंज हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे हम ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी घी में दुधी डाल के भूनेंगे। तो हम दुधी को इसमें डाल देंगे। दुधी का कलर थोड़ा चेंज हो गया और इसे हम चलाते हुए
चार से पांच मिनट तक धीमे भूनेंगे। पांच मिनट तक हमने दूधी को चला चला के भून लिया है। अब हम पांच मिनट इसे कवर करके पकाएंगे। तो हम इसे एक कवर से कवर कर लेंगे और पांच मिनट बाद हम कवर को हटा के बीच बीच में दूधी को चला लेंगे। तो ऐसे हम दूधी को बीच बीच में चला लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, दूधी का काफी सारा पानी जो है वो सूख चुका है। अब हम इस स्टेज पे शक्कर को डाल देंगे। तो हम इसमें 100 ग्राम शक्कर डाल के और इसे अच्छे से चला लेंगे। शक्कर डालने से दूधी में पानी छोड़ता है। तो ऐसे हम दूधी को चला चला के शक्कर के साथ भूनेंगे। दूधी में शक्कर डालने के बाद काफी सारा पानी छोड़ा है। तो अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। ध्यान रहे, हम मीडियम फ्लेम पे ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं। अब हम कवर को हटा लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अपना दूधी जो है एकदम बारीक गल चुका है और शक्कर भी मेल्ट हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे मिल्क पाउडर डालेंगे। तो हम ऐसे फैलाते हुए मिल्क पाउडर को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूधी का हलवा मावा के साथ, दूध के साथ बनाया जा सकता है, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। मिल्क पाउडर डालने से ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो हम मिल्क पाउडर से बना को आप लोगों को बता रहे हैं। अच्छे से हलवा को चलाते हुए हम मिल्क पाउडर कलर को हमने 1 चम्मच पानी में घोल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे फैलाते हुए कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और साथ में हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और बाकी का हम इसमें डाल के ऐड कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपना टेस्टी दूधी का हलवा बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो ऐसे हम इसे मिल्क पाउडर के साथ दूधी का हलवा बनकर तैयार है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये दूधी का हलवा कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।